प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास नाइन्थ में चैप्टर स्टैटिक्स में एक्सरसाइज 14.4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, ये वाली संख्या है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा मतलब एक हमारी टीम है जो फुटबॉल खेलती है, उसने 10 मैच खेले और 10 मैचों में उस टीम ने कितने कितने गोल किए, वो ये संख्या दे रखी है, ये 2, 3, 4, 5। तो ये जो संख्या दे रखी है इनको मान लेंगे हम पद, पद मीन्स टर्म, जिसको हम एक्सिट नोट करेंगे और इनको लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। ये हमने यहां से लेके यहां लिख लिया। अब निकालेंगे हम इसका सिग्मा एक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये जो साइन है इसको बोलेंगे सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है ये जो एक्स हमारे टर्म है इन सबको प्लस करना। क्लियर? तो लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। क्लियर? इनको प्लस करेंगे तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14 + 1, 15 + 3, 18 + 3, 21 + 4, 25 + 3, 28। ये हो गया। अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ टर्म, इसको लिखेंगे हम एन से। तो कितने नंबर है हमारे, ये 10 नंबर है, तो लिखेंगे 10। अब लिखेंगे हम माध्य मतलब मीन, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन इक्वल टू सिग्मा एक्स हमारा 28 आया अपॉन 10, और 28 को 10 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 2.8। ये हमारा आंसर हो गया माध्य का। क्लियर? अब निकालेंगे माध्य, ये हमारा जो एक्स है इसको हमने यहां लिख लिया 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। माध्य निकालने के लिए ये जो एक्स है टर्म है इनको लिखेंगे हम एसेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही क्रम में। लिखेंगे आरोही क्रम में, तो x इक्वल टू आरोही क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या फिर बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 0, उससे बड़ी है 1, उससे बड़ी है 2, उसके बाद 3। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो हम 3 को 4 टाइम ही लिखेंगे, ये नहीं कि 3 को एक बार लिखें बाकी को छोड़ दें। जितनी बार कोई भी संख्या आ रही है उसको उतनी बार लिखते हैं। तो 3 को लिखेंगे हम 4 टाइम, 4 बार, उसके बाद में 4 है, उसके बाद 4 हमारा 2 बार आ रहा है तो 4 ने 2 बार लिख लिया, उसके बाद लिखा हमने 5। क्लियर? इनको गिन लेते हैं एक बार कि कोई संख्या वाली छुट्टी तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म एन 10। अब मीडियन निकालने के लिए माध्यक निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ टर्म आया ये हमारा ऑड नंबर है या इवन नंबर है, मतलब विषम है या सम है। तो ये हमारा जो 10 ये इवन नंबर है, क्या लिखेंगे इवन नंबर। अब जब इवन नंबर आएगा एन तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होगा, माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा एन अपॉन 2 वाम पद प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 वाम पद अपॉन 2, ये हो जाएगा इक्वल टू एन है हमारा 10, क्या लगाएंगे 10 अपॉन 2 वाम पद प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 वाम पद अपॉन 2 इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा पांचवा पद फिफ्थ टर्म प्लस
ये हो जाएगा टू वन जाए टू टू फाइव जाए टेन, तो फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा, सिक्स टर्न मतलब छठवा पद अपॉन टू इक्वल टू। अब हमें ये देखना है जो हमने एस एन एम ऑर्डर में एक्स लिखा था उसमें देखना है कि हमारा पांचवा पद कौन सा है, तो वन टू थ्री फोर फाइव पांचवा पद हमारा थ्री है, लिखेंगे थ्री प्लस ऐसे ही देखेंगे सिक्स टर्म कौन सा है, तो सिक्स टर्म हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी थ्री है तो ये भी थ्री लिख दिया अपॉन टू इक्वल टू थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा, सिक्स अपॉन टू सिक्स को हमने डिवाइड किया टू से दे आएगा थ्री और यही हमारा आंसर हो गया मीडियन का माध्यक। क्लियर? अब निकालेंगे हम बहुलक, बहुलक को बोलते हैं मोड, मोड मीन्स बहुलक, बहुलक क्या होता है जो टर्म सबसे अधिक बार आ रहा है वही हमारा मोड होगा, वही बहुलक होगा। क्लियर? इनमें देखेंगे हम कि कौन सा टर्म कितनी बार आ रहा है, तो टू आ रहा है हमारा वन टाइम, थ्री आ रहा है वन टू थ्री फोर टाइम और फोर आ रहा है हमारा टू टाइम, कहने का मतलब इसमें थ्री जो हमारा टर्म है जो वर्जी संख्या है यही सबसे अधिक बार आ रही है, तो लिखेंगे थ्री पर सबसे अधिक बार आ रहा है, या तो उसको ऐसे ले सकते हैं या इसके स्थान पर ले सकते हैं थ्री की बारंबारता सबसे अधिक है, बारंबारता मतलब कितनी बार आ रहा है, इसीलिए बहुलक इक्वल टू थ्री। क्लियर? और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली संख्या है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से मतलब 100 अंकों में से निम्न अंक प्राप्त किए, 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 और 60। इन आंकड़ों के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी एक मैथ की परीक्षा हुई, एग्जाम हुआ और उसमें 15 स्टूडेंट थे, उस परीक्षा का जो टोटल था पूर्णांक था वो था 100 मार्क्स का, 100 नंबरों का, उसमें से 15 विद्यार्थियों ने 15 स्टूडेंट ने कितने कितने अंक प्राप्त किए वो ये दे रखे हैं, तो एक के आए 41, दूसरे के आए 39, ऐसे ही 48, 52, इस तरह से हमारे अंक बच्चों ने प्राप्त किए। इस क्वेश्चन में भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हमें माध्य माध्यक और बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले ये जो हमारे अंक है संख्याएं हैं इनको लिखेंगे हम एक्स इक्वल टू 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 और 60। ये लिख लिया। सबसे पहले हमें निकालना है इसका माध्य, तो हम निकालेंगे इसका सिग्मा एक्स। मैं बताया था अभी सिग्मा का मतलब इन सभी टर्म को प्लस करना, इन सभी अंकों को जोड़ना, ये हो जाएगा 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60 इक्वल टू। एक बार ये देख लेते हैं कि कोई डिजिट हमारा छूटा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है? अब इसको प्लस करेंगे, हमने इन सबको प्लस किया तो हमारा आया 822। क्लियर?
यहाँ नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न हमारे 15 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसीलिए माध्य इसको लिखेंगे एक्स बार से इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इक्वल टू 822 डिवाइड बाई 15। 822 को हमने डिवाइड किया 15 से, ये हमारा 54.8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा माध्य का। क्लियर? अब निकालेंगे हम इसका माध्य। तो माध्य को निकालने के लिए मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले जो हमें टर्म दे रखे हैं, ये हमें अंक दे रखे हैं, इनको लिखेंगे हम एसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। एक्स इक्वल टू आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या आएगी फिर उससे बड़ी आएगी, तो इन सभी संख्याओं में देखेंगे हम सबसे छोटा संख्या हमारी कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 39, ध्यान रखेंगे 39 से बड़ी हमारी है 40, तो 40 लिखा। अब 40 कितनी बार आ रहा है इसमें, 40 आ रहा है इसमें हमारा ये 2 टाइम, तो हमने 2 टाइम लिख लिया। 40 से बड़ी हमारी 41 कितनी बार आ रहा है, 41 आ रहा है, एक बार आ रहा है इसमें, इससे बड़ी हमारी 42, तो हमने 42 लिखा है। 42 से बड़ी हमारी ये 46, 46 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, 46 से बड़ी हो गई 48, यहां लिखेंगे 48, 48 से बड़ा है इसमें हमारा 52, यहां लिखा हमने 52 कितनी बार आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 52 और एक ये आ रहा है 3 टाइम, तो यहां हमने इसको 3 टाइम लिख दिया 52 को। 52 से बड़ा है हमारा यहाँ 54 कितनी बार आ रहा है, 54 एक बार आ रहा है, और 54 से बड़ा है हमारा यहाँ 60 इसमें एक बार ही आ रहा है, 60 से बड़ा है हमारा यहाँ 62, क्या लिखेंगे 62 से बड़ा है हमारा यहाँ 96, और 96 से बड़ा है हमारा यहाँ 98। क्लियर? एक बार इन संख्याओं की काउंटिंग कर लेते हैं, कोई संख्या छूट तो नहीं गई, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 हमारे स्टूडेंट है, इसका मतलब हमने सही लिखा है। अब लिखेंगे माध्यक निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न 15, ये 15 हमारा इवन नंबर है ऑड नंबर है, सम है या विषम है, तो ये हमारा ऑड नंबर, क्लियर? और ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो दूसरा लगेगा, ये हो जाएगा माध्यक का मीडियन इक्वल टू एन प्लस 1/2, वहां पर ये है ऑड नंबर के लिए एन 15 है प्लस 1/2 वहां पर इक्वल टू 15 प्लस 1 16 हो गया, 16/2 वहां पर, अब उसको काटेंगे 2 + 2 और 2 8 = 16 इक्वल टू 8 टर्म 8वां पद। हमें देखना है कि एसएनएम ऑर्डर में हमने जो टर्म लिखे हैं इसमें 8वां पद कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारा 52, तो यहां लिख देंगे 52, ये हो गया हमारा माध्यक और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब निकालना है हमें इसका बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमें ये देखना है इन संख्याओं में कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, तो इसमें 42 टाइम आ रहा है और 52 3 टाइम आ रहा है, 52 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो लिखेंगे 52 की बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक मोड
इक्वल टू 52 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है इसका। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। अब थर्ड क्वेश्चन, ये हमारी संख्या है, निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्य 63 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 29, 32, 48, 50, x, x+2, 72, 78, 84 और 95। इस क्वेश्चन में हमें माध्य मीडियन दे रखा है 63, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये और अच्छा दे रखा है कि हमें जो आंकड़े दे रखे हैं, ये जो संख्या दे रखी है, ये एसएन ऑर्डर में पहले से ही लिखी हुई है, लिखा है इसलिए आरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो हमें इसको आरोही क्रम में नहीं लिखना। तो लिखेंगे पहले एक्स इक्वल टू 29, 32, 48, 50 एक्स एक्स प्लस टू 72, 78, 84 और 95। क्लियर? याद रखेंगे हम एन मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चल गया हमने 10। हमें माध्यक दे रखा है, माध्यक इक्वल टू 63, ये एन 10 है, ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। सम संख्या हो गई, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यम वाला, माध्यम इक्वल टू एन अपॉन टू वापस प्लस एन अपॉन टू प्लस वन वापस अपॉन टू। क्लियर? माध्यम के स्थान पर यहां से ये लगा देंगे 63 इक्वल टू एन के स्थान पर लगा देंगे 10, तो जाएगा 10 अपॉन टू वहां पर प्लस 10 अपॉन टू प्लस वन वहां पर अपॉन टू। क्लियर? 63 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 × 10, ये हो गया 5th टर्म पांचवा पद प्लस 6th टर्म छठवा पद। क्वेश्चन नेटवर्क कर दिया 10 को 5 10, 5 + 1 = 6 हो गया अपॉन टू 63 इक्वल टू। अब हमें ये जो टर्म दे रखे इसमें देखना है कि पांचवा पद कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पांचवा पद हमारा एक्स है प्लस अवे 6th टर्म छठवा पद कौन सा है, छठवा पद हमारा एक्स प्लस टू, यहां कर दिया हमने एक्स प्लस टू अपॉन टू ये वाला 2, 63 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा 2x + 2 अपॉन टू। यहां इसका मान लेंगे डेनोमिनेटर 1 हर एक मान लेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 63 × 2 = 2x + 2 63 × 2 ये हो जाएगा 126 = 2x + 2 2 को लाएंगे हम लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 126 − 2 = 2x 126 − 2 ये हो जाएगा 124 = 2x ये 2 मल्टीप्लाई में तो हम एक्स का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा डिवाइड में, यहां लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू 124/2 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 62। इसमें पूछा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान आ गया हमारा 62। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी संख्या है आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 और 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होता है, तो यहाँ सबसे अधिक बार आने वाला 14 जो कि 1, 2, 3, 4 टाइम आ रहा है। हम ये लिखते हैं कि 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक 14 आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी है, वो बता रहा हूं मैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ x, x का मतलब इन संख्याओं को हम लिखेंगे यहाँ एसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ध्यान रखना है कि संख्या को रिपीट नहीं करना,
सबसे छोटी संख्या इसमें हमारी है 14, तुमने 14 लिख लिया। 14 से बड़ी हमारी है 17, 17 से बड़ा है 18 और 18 से बड़ा है हमारा यहाँ 22, 22 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 25 और 25 से बड़ा है हमारा यहाँ 28। क्लियर। और यहां लिखेंगे हम एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता का मतलब हमारा 14 इन संख्याओं में कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम आ रहा है 14। तो इसके सामने लिख दिया हमने 4। 17 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम हो गया 17। 18 कितनी बार आ रहा है, 18 आ रहा है 1, 2, 3 टाइम, हमने 18 के आगे लिख दिया 3। 22 कितनी बार आ रहा है, 22 आ रहा है हमारा 1 टाइम, हमने लिख दिया 1। 23 कितनी बार आ रहा है, 23 आ रहा है 1 टाइम, तो उसके आगे भी हमने 1 लिख दिया। 25 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, यहां भी 1 लिख दिया। और 28 कितनी बार आ रहा है, 1, यही 1 टाइम, यहां 1 लिख दिया। अब इसका करेंगे हम योगफल, तो यहां लिखेंगे n इक्वल टू 1, 1, 2, +1, 3, +1, 4, +3, 7, +1, 8, +4, 12। इनका योगफल आ गया हमारा 12। हमें ये देखना है कि ये संख्या हमारी 12 है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है ये हमारी सही है। क्लियर। अब इसमें देखना है कि सबसे अधिक बार मरता कौन सी है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमारी ये 4। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि 14 की बार मरता 4 हो गई। तो लिखेंगे 14 की बार मरता 4 सबसे अधिक है, इसलिए मोर बहुलक इक्वल टू ये हो जाएगा 14 और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली संख्या है निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का मात्र वेतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक कंपनी कोई 60 वर्कर्स में, हमारे 60 वर्कर्स 16 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मंथली वेतन है 3000 रूपये। 12 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका महीने का जो वेतन है वो है 4000 रूपये। 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका महीने का वेतन है 5000 रूपये। 8 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका महीने का वेतन है 6000 रूपये। और 6 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका महीने का वेतन है 7000 रूपये। इसी तरह से 4 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका महीने का वेतन है 8000 रूपये। और 3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका महीने का वेतन है 9000 रूपये। और 1 कर्मचारी ऐसा है जिसका वेतन है महीने का 10000 रूपये। यदि इन सबको क्रॉस करें तो ये हमारा आ गया 60। इसमें जो दे रखा है 60 कर्मचारी। क्लियर। इसका हमें निकालना है माध्य वेतन। ये हमें बुक में दे रखी है संख्या। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो ये जो टेबल दे रखी है यहां तक इसको दोबारा बनाएंगे। क्लियर। अब उससे आगे क्या करेंगे, ये जो वेतन दे रखा है रुपए में इसको हमने मान लिया एक्स। क्लियर। ये दे रखी है कर्मचारी की संख्या, इसको मान लिया हमने फ्रीक्वेंसी एफ। क्लियर। अब करेंगे हम एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर। इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, यहां लिखेंगे तो हो जाएगा 16 3 48 और 3 0 बाद में आ जाएंगी 12 4 48 10 5 50 8 6 48 6 7 42 4
4, 8, 32, 3, 9, 27 और 1, 10, 10 क्लियर। ये कर दिया हमने एफ एक्स, इन संख्याओं का इन संख्याओं में मध्य करके हमने क्या लिख दिया, अब निकालेंगे इसका सिग्मा एफ एक्स। कहने का मतलब इनको सबको प्लस करना है, 3 जीरो सब में है तो हमने यहां 3 जीरो तो लिख लिया। अब चौथा 0 और 7, 7, 7 और 2, 9, 9 और 2, 11, 11 और 8, 19, 19 और 8, 27, 27 और 8, 35, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 4, 13, 13 और 4, 17, 17 और 5, 22 और 8, 30। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। क्लियर। नंबर ऑफ टर्म ये जो 60 दे रखा है ये हमने मान लिया एन। क्लियर। अब बनाए इसका माध्य, मतलब एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमारा ये है 3,05,000 अपॉन एन 60 है, काटेंगे 0,0 कट जाएगी और अब ये बचा 30,500 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो 30,500 को हमने डिवाइड किया 6 से, हमारा ये आया 5,083.33 रुपी। क्लियर। ये हो गया हमारा माध्य एक्स बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस एक्सरसाइज में हमें ये 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं। नंबर 1 है माध्य मीन, इसको लिखते हैं एक्स बार से। जब हम सिर्फ एक्स दे रखा है, टर्म दे रखे हैं, उस कंडीशन में हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। जब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक्स दे रखे हैं, पद दे रखे हैं, उस कंडीशन में हमारा माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्लियर। नंबर 2 पर माध्यक के लिए जब नंबर ऑफ टर्म ऑड नंबर हो तो उसका भी हो जाएगा माध्यक मीडियन, इसको लगेंगे एम से, एन प्लस 1/2 वहां पर। और जब नंबर ऑफ टर्म इवन नंबर हो उस कंडीशन भौड़ा हो जाएगा हमारा माध्यक का n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर अपॉन 2। और तीसरा है बहुलक मोड के लिए, जिस पद मतलब टर्म की वारंवारता फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही टर्म बहुलक होता है, तो उसमें ये याद रखना है और ये एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। क्लियर। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इस तरह से आज ये एक्सरसाइज 14.4 कम्प्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।